हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोमेट्रिक एंड मेरिस्टिक कैरेक्टर। ये आपके डिप्टी इंस्पेक्टर के सर्विस के अंदर मौजूद है। टैक्सोनॉमी के बाद जो सिलेबस के अंदर दिया गया है वो यही है कि आप मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोमेट्रिक एंड मेरिस्टिक कैरेक्टर जो फिशेज के अंदर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी, उसके बाद मॉर्फोमेट्रिक और मेरिस्टिक। इसी लेक्चर में हम तीनों के बारे में आज पढ़ लेंगे, कम से कम हमारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फीचर्स। मॉर्फोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ द फॉर्म कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनिज्म का और उसके फीचर्स क्या है, ये हमें मॉर्फोलॉजी बताती है। जो मॉर्फोलॉजी है उसको हमें एक पढ़ना है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, दूसरा पढ़ना है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फिश, जिसको हम इडोनॉमी भी कहते हैं। देखिए, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर आईज, नोस्ट्रिल्स, माउथ, ऑपरक्यूलम, फिन्स, हेपुरल्स, लैटरल लेंस, स्केल्स, ये कुछ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ये जो आपने जो ये आपको जो आप देख रहे हैं आईज, नोस्ट्रिल्स, माउथ, ऑपरक्यूलम, फिन्स, हेपुरल्स, लैटरल लेंस, स्केल्स, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर ये ऑर्गन आते हैं। ओके, सबसे पहले है आईज। आईज फिश की आईज जो है वो क्या है? द आईज आर द सेंसरी ऑर्गन इन फिशेज एंड दे आर पेयर्स इन नंबर एंड इट इज यूज्ड इन ए सेंसरी ऑर्गन। आईज जो है ये सेंसरी ऑर्गन है जो फिशेज के अंदर भी पाई जाती है, और तो ये यूज होते हैं सेंसरी ऑर्गन। आपको पता है सेंस क्या चीज होती है? हमारी बॉडी है ये परस्यू करती है एक बाहर से स्टिमुलस, ठीक है ना, जिस तरह हम साइट पता चल गया आपको, स्मेल मुशिका में मुशिक आती है, हियरिंग हम सुनते हैं, टेस्ट हमें पता लगता है इसका जायका कैसा है, टच करते हैं, ठीक है ना, ये तमाम किस्म आती है टेस्ट के अंदर। तो आईज जो है ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नोस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट अबव द माउथ एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन, यूज्ड फॉर सेंसेशन एंड देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल। नोस्ट्रिल्स जो होते हैं ये माउथ के ऊपर साइड में आपको दिखाई देंगे, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कहाँ पे हैं नोस्ट्रिल्स, तो ये भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो कि सेंसेशन के लिए और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करने के काम भी आते हैं। माउथ, माउथ आर दी ओपनिंग एंड विद द हेल्प ऑफ माउथ दे आर कैन फीडिंग। माउथ जो है आप देख सकते हैं माउथ क्या होता है, ये ओपनिंग होता है, हमें भी माउथ होता है, इनके अंदर माउथ होता है, हम भी माउथ को फीडिंग के लिए रखते हैं, ये भी माउथ को फीडिंग के लिए, ठीक है ना। बार्बल्स, बार्बल्स जो होते हैं दे आर फंक्शनल लेस ऑर्गन एंड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन इन टू फोर सिक्स इन नंबर एंड मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन कार्निवोरस फिशेज एंड ओमनिवोरस फिशेज having only one barbel are present only for identification and they are vestigial organ। देखिए, ये barbels का कोई function नहीं है, but identification के लिए देखते हैं हम, ये दो end number है, चार end number है, छह end number है, तो उससे हम identify करते हैं ये species carnivorous है, ये species omnivorous है। हालांकि जो omnivorous species होती है उनके अंदर सिर्फ one barbel जो है वो present होता है, जो कि ये जो barbels है ये vestigial organ का कोई function नहीं है। फिन्स, दे आर बोनी और कॉटिलेजनस स्ट्रक्चर एंड यूज फॉर स्विमिंग, बैलेंसिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फिशेज। अब फिन्स क्या है? ये कॉटिलेजनस स्ट्रक्चर होता है जो कि बोनी भी हो सकता है, कॉटिलेजनस भी हो सकता है, जो कि हम यूज होता है किसके लिए? स्विमिंग के लिए, बैलेंस करना हो बॉडी को, फिश बैलेंस जब करती है तो फिन्स की वजह से करती है, प्रोटेक्शन के लिए भी ये काम आते हैं। There are many types of fins which are the following: pectoral fins जो है, pelvic fin है, anal fin है, adipose fin है, caudal fin है, dorsal fin है, इसलिए बहुत से fins हैं जो कि पाए जाते हैं fish के अंदर। हम external morphology की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत करेंगे, ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, basic जो concept है वो clear करेंगे ताकि आपके अंदर जो confusion है वो दूर हो जाए। Lateral line,
लेटरल लाइन क्या हो, देयर दे आर सेंसरी ऑर्गन, इट सेंस द वाटर करंट। सबसे पहले जो लेटरल लाइन क्या होता है, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि सेंस द वाटर करंट, जो वाटर करंट जो होती है उसको सेंस करता है। लेटरल लाइंस आर स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं ये होती है लेटरल लाइन, ठीक है ना। ये इसके ऊपर डॉट्स होते हैं छोटे छोटे, विच फॉर्म्स ए लाइन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरकुलम, ये ऑपरकुलम से यहाँ से सीधा स्टार्ट होती है और एंड होती है हेपुरल बोन्स, एंड इट फॉर्म्स ए सिस्टम कॉल्ड लेटरल लाइन सिस्टम, फंक्शन इज टू शो वाटर करंट, वाटर करंट को शो करना इसका जो है ये फंक्शन है। स्केल्स की अगर हम बात करें, ये पार्ट ऑफ एंटोगोमेट्री ऑर्गन है और जो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन किसको, फिश के लिए। ओके, हेपुरल्स, हेपुरल्स आर द स्मॉल बोन्स एंड इट इज प्रेजेंट इन द टॉल साइड एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ लेटरल लाइन ऑफ फिश एंड प्रोवाइड मूवमेंट टू द कॉडल फिन। हेपुरल्स जो होती हैं ये छोटी सी बोन होती हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इन द टॉल साइड, लंबे साइड में, एंडिंग पॉइंट ऑफ लेटरल लाइन फिश ऑफ फिश प्रोवाइड करती हैं मूवमेंट टू द कॉडल फिन। ओके, ये आप देख सकते हैं हेपुरल। ये देखिए जी आप, ये माउथ है, ये आई है, ये इसका ब्रेस्ट है, ऑपरकुलम ये है, और पेक्टोरल फिन ये है, पेल्विक फिन भी आप देख सकते हैं, डोर्सल फिन ये है, ये इसको बोल कहते हैं लैटरल लाइन। ये जो है ये लैटरल लाइन है, ये प्रीपेरकल है, इसको हम चीक कहते हैं, ये स्नाउट होता है, ये एडिपोस फिन है, और यहाँ पे एनल फिन है, यहाँ कॉडल फिन है, और यहाँ पे कॉडल पेडंकल भी कहते हैं, ये एनस है, इसको क्लोका भी, पेल्विक फिन, ऑपरकुलम वगैरह, ये जो है आप देख सकते हैं ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है फिश की। अब देखिए इंटरनल एनाटॉमी ऑफ ए बोनी फिश। इंटरनल एनाटॉमी क्या होती है, देखो ब्रेन, गिल्स, किडनी, स्विम ब्लैडर भी होता है, ठीक है, स्प्लीन देखिए आप, इंटेस्टाइन, स्टोमिक, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लिवर, पाइलोरिक सिस्टम, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, गोनेड, ये जो है ये कॉमन रड जो है ये, इसकी हमने यहाँ पे फिगर ली है, आप देख सकते हैं ये है इंटरनल एनाटॉमी। इंटरनल एनाटॉमी जो है ये फिश की, ये भी मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है ना। तो इसका हम नंबर डिस्कस नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट बताएंगे, क्योंकि हमें मॉर्फोमेट्रिक और मिनिस्ट्रिक भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना जरूरी है। मॉर्फोमेट्रिक क्या होता है, मॉर्फोमेट्रिक करेक्टर सेलिबस के अंदर दिया गया है, मॉर्फोमेट्रिक और मेरिस्टिक करेक्टर जो है सेलिबस के अंदर दिया गया है, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो ग्रीक मॉर्फी मीन्स शेप फॉर्म एंड मैट्रिया मीन्स मेजरमेंट, ये यहाँ से आपको समझ ये होगे मॉर्फोमेट्रिक के, यहाँ ही इसका आंसर। मॉर्फोमेट्रिक रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव आप समझ गए, क्वांटिटेटिव क्या होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। यहाँ पे बात क्वांटिटी की है, किसकी बात है, क्वांटिटी की है। ओके, तो मकदार की बात यहाँ पे की जाती है। एनालिसिस ऑफ फॉर्म ए कॉन्सेप्ट दैट इनकंपेसेस साइज एंड शेप, तो साइज कितना है, शेप कैसी है, तो यहाँ पे मॉर्फोमेट्रिक के अंदर देखा जाता है एक अच्छी तरह से। इट इज कॉमनली परफॉर्म्ड ऑन ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूजफुल इन एनालिसिस देयर फॉसिल रिकॉर्ड। हालांकि मॉर्फोमेट्रिक तो इसलिए भी यूजफुल है क्योंकि हम फॉसिल रिकॉर्ड को जब एनालिसिस करते हैं तो वहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक। द इंपैक्ट ऑफ म्यूटेशन ऑन शेप, क्या इंपैक्ट रहा शेप म्यूटेशन का, म्यूटेशन का शेप पर, ये भी मॉर्फोमेट्रिक हमें यही बताता है। डेवलपमेंटल चेंज इन फॉर्म कवरेंसेज बिटवीन इकोलॉजिकल फैक्टर एंड शेप एज वेल फॉर एस्टिमेटिंग क्वांटिटेटिव जेनेटिक पैरामीटर ऑफ शेप्स, ये तमाम के तमाम किसके अंदर आते हैं, मॉर्फोमेट्रिक्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे है मॉर्फोमेट्रिक करेक्टर ऑफ फिश, तो ये मॉर्फोमेट्रिक करेक्टर्स क्या होते हैं फिश के, लीनियर मेजरमेंट ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट्स और ऑफ एनी स्ट्रक्चर देयर ऑन इज द सब्जेक्ट ऑफ मॉर्फोमेट्री। क्या है लीनियर मेजरमेंट, किसकी, बॉडी की, उसके पार्ट्स की, उसके स्ट्रक्चर की, तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोमेट्री। अब देखो जब हम लेंथ देखेंगे बॉडी की, पूरी लेंथ बॉडी की कितनी है, हेड लेंथ कितनी है,
फिन की लेंथ कितनी है, गैप विड्थ कितना है, ये तमाम का तमाम किसके अंदर आता है, मॉर्फोमेट्रिक क्रेटर के अंदर आता है। देखिए जी, टोटल लेंथ क्या है, हम फिश की बात कर रहे हैं, हम मॉर्फोमेट्रिक क्रेटर की बात कर रहे हैं, टोटल लेंथ क्या है, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ बॉडी लेंथ फ्रॉम टिप ऑफ लॉन्गेस्ट जॉ, जिसको हम स्नाउट कहते हैं, टू द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ कॉडल फिन। जब हम मेजरमेंट करेंगे फिश की बॉडी का टिप से लेकर स्नाउट से लेके कॉडल फिन तक, उसको हम कहते हैं टोटल लेंथ। वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए टोटल लेंथ कहां से स्टार्ट होता है, हो सकता है वहां पे लिखे माउथ टू कॉडल फिन, माउथ टू एनल फिन, इस तरह तरह, तो आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, तो इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड लेंथ क्या है, SL, स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है, लेंथ फ्रॉम स्नॉट टू द ओरिजिन ऑफ कॉडल फिन, जहां पे कॉडल फिन का ओरिजिन होता है वहां से लेकर स्नाउट तक जो है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लेंथ। टोटल लेंथ क्या है, जहां से मतलब स्नाउट से लेके जहां लॉन्गेस्ट पार्ट है कॉडल फिन का, जिस तरह आप देख रहे हैं इमेज के अंदर, ये होता है टोटल लेंथ और स्टैंडर्ड लेंथ। अब है फोर्क लेंथ, मेजर्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द जॉ और टिप ऑफ द स्नाउट विद क्लोज्ड माउथ टू द सेंटर ऑफ द फोर्क इन द टेल, ये होता है फोर्क लेंथ जो आपको दिखाई दे रही है। ओके, हेड लेंथ HL क्या है, लेंथ फ्रॉम स्नाउट टू द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑपरक्यूलियम, हेड लेंथ जहां से स्नाउट से लेके जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ऑपरक्यूलियम का, जो आप देख रहे हैं, ये होती है हेड लेंथ। क्या होती है, हेड लेंथ। स्नाउट लेंथ कहां से कहां तक होती है, लेंथ फ्रॉम स्नाउट टू द एंटीरियर मोस्ट मार्जिन ऑफ द आई ऑर्बिट, आई डायमीटर क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ आई ऑर्बिट फ्रॉम वन मार्जिन टू अदर, इंटर ऑर्बिटल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द आई, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये तमाम हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर किसके, फिश के अंदर, जो कि आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। फिर है जी प्री डोर्सल लेंथ, PDL, लेंथ फ्रॉम स्नाउट टू द ओरिजिन ऑफ द डोर्सल फिन, ये है आपका प्री डोर्सल लेंथ। प्री पेक्टोरल लेंथ क्या होता है, PPL, लेंथ फ्रॉम स्नाउट टू द ओरिजिन ऑफ पेक्टोरल फिन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना। प्री एनल लेंथ क्या है, PAL, लेंथ फ्रॉम स्नाउट टू द ओरिजिन ऑफ एनल फिन। हाइट ऑफ डोर्सल फिन क्या है, HOD, height of dorsal fin from base of origin of dorsal fin to the end of longest fin ray, jis tarah se aap dekh rahe hain ye hota hai highest of dorsal fin ray। phir hai ji anal fin length, AL kya hai, length from origin of first anal fin ray to the origin of last anal fin ray, isko hum kehte hain anal fin length। फिर है जी बॉडी डेप्थ, BD, मैक्सिमम वर्टिकल लेंथ ऑफ बॉडी, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो है। कॉडल डेप्थ, CD क्या होता है, मिनिमम वर्टिकल लेंथ ऑफ द बॉडी, मिनिमम डेप्थ ऑन द कॉडल पेडंकल, ये है कॉडल डेप्थ। अपर लिप लेंथ, ULL, curved length of upper lip from one angle of mouth to another angle of mouth, ye hota hai upper length, lip length। phir hai ji lower lip length, LLL, curved length of lower lip from one angle of mouth to another angle of mouth। horizontal mouth width, HMW, ye kya hota hai, horizontal distance from one angle of mouth to another angle of mouth, ye hai horizontal mouth width। practical utility of fish morphometry, practical utility kya hai fish morphometry ke andar, hum kis tarah karte hain, dekho sabse pehle identify fish accurately and completely, sabse pehle hum isko identify karte hain achhe tarah se, accurate tarike se, uske baad fix identification character of fish, okay, फिक्स करते हैं जो आइडेंटिफिकेशन करेक्टर हैं फिश के। उसके बाद डिटरमाइन द डिफरेंसेस इन सेम स्पीशीज एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट लोकेलिटीज, अब क्या है कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं बट डिफरेंट लोकेलिटीज के अंदर रह के कुछ चीजें उनके अंदर चेंजिंग आ जाती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन फिशेज हैविंग सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर बट आर नॉट सेम।
उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ सेम स्पीशीज को। ये यूटिलिटी यूटिलिटी है किसकी, प्रैक्टिकल यूटिलिटी है किसकी, फिश मॉर्फोमेट्री। अब प्रैक्टिकली यूटिलिटी को फिश मॉर्फोमेट्री को करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, जिस तरह डिजिटल वर्नियर कैलिपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिक्वायरमेंट, ठीक है। फोर्सेप्स को भी रिक्वायरमेंट होती है, नीडल्स की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है इसकी भी रिक्वायरमेंट हमें वहां पे रहती है, ओके। मेरिस्टिक करैक्टर क्या होते हैं, मेरिस्टिक करैक्टर होते हैं काउंटेबल ट्रेट सच एज नंबर ऑफ गिल रैकर्स। हमने देखा एक फिश को पकड़ा, उसके अंदर हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने इसके गिल्स रैकर्स जो है ये पाए जाते हैं, या फिर डोर्सल फिन स्पाइंस जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 इसको हम कहते हैं मेरिस्टिक करैक्टर, जो कि काउंटेबल ट्रेट होते हैं, नंबर ऑफ गिल रैकर्स जिस तरह है, नंबर ऑफ डोर्सल फिन जो है स्पाइंस के, और ये जो मेरिस्टिक करैक्टर हैं ये मेजर भी किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका टॉपिक आज का, बिल्कुल इजी टॉपिक था, कोई टफ नहीं था, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोमेट्रिक और मेरिस्टिक करैक्टर पे ये जो लेक्चर था फिशरीज के रिलेटेड। अगर किसी को ये अलग से पढ़ना होगा ये टॉपिक पूरा, तो उसके लिए बुक कौन सी लानी है, एसपी विश्वास की मैनुअल ऑफ मेथड्स इन फिश बायोलॉजी आती है, साउथ एशियन पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली। एसपी विश्वास याद रखना, एसपी विश्वास की मैनुअल ऑफ मेथड्स इन फिश बायोलॉजी, इस किताब से ये मैंने जो नोट्स हैं ये पढ़े हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि अलग से पढ़ना, तो आप एसपी विश्वास की मैनुअल ऑफ मेथड्स इन फिश बायोलॉजी लाओ, तो उससे आपको ये जो है कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। जहां जहां से आपको समझ में आया होगा तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हम पहली बार कुछ ना कुछ लेके आए हैं आपके लिए, तो उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो हम तमाम टॉपिक्स जो हैं, हर दिन कोई ना कोई टॉपिक हम शेयर करेंगे, तो कोशिश यही करेंगे कि हम 2-3 महीने के अंदर अंदर ये जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी बर्फ पड़ने वाली है, बर्फ में घर में बैठ के बाहर तो घूमना नहीं है, सिर्फ नेट पैक होने चाहिए, लाइट होनी चाहिए, तो पावर बैंक फुल चार्ज होना चाहिए, तो हम आराम से बैठ के जो है ये तैयारी हम कर सकते हैं। क्योंकि हार्डली मुझे लगता है, जिस तरह मैंने देखा था कि हमें मुझे 50 प्लस जाएगा, 100 के करीब तक जाएगा ये जो लेक्चर हैं जाएंगे, तो अभी ये तीसरा लेक्चर है, अभी 50 प्लस लेक्चर और आएंगे, आप देखते रहिए। तो आपके भी मुझे लगता है अगर 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया, तो 120 में से हम यही कोशिश करेंगे कि कम से कम 80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन इस जो हम स्टडी करेंगे से भी निकलना चाहिए, तब जाके कुछ ना कोई फायदा होगा। तो हमारी पूरी तैयारी करेंगे उसी हिसाब से, हमारे जो सीनियर्स हैं, सीनियर के साथ हम बैठे हैं, ठीक है, सीनियर हमारे साथ हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं कि किस तरह से पेपर आ सकता है, किस तरह से आपको स्टडी करवानी है, तो जहां तक हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखते रहिए आप टीचिंग बायोलॉजी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।